हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फ़िलहाल तीन पानी की ओर, क्योंकि दी की वहाँ से कुछ बुक्स लानी है और दूसरा मेरा थोड़ा वहाँ पे काम है। तो फ़िलहाल फुल पावर निकलते हैं यहाँ से और कंटिन्यू करते हैं हमारा आगे का ब्लॉग। तो दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो चुकी है, दी अपना हेलमेट नहीं लेके आई है। मैंने इनसे कहा था, उसके बावजूद भी अपना हेलमेट नहीं लाई। अच्छा वो हमने मार्केट एरिया में जाके हमें याद नहीं आई, वो तो अभी यहाँ पे मैंने पूछ लिया दी से कि आप हेलमेट लाए हो या नहीं, तो दी ने मना कर दिया। तो अब यहाँ से फिलहाल वापस जाते हैं और दी करने वाली हैं अब ड्राइव। अब इन्हें मोड़ के भी मुझे देनी पड़ेगी, ऐसे तो हैवी ड्राइवर हैं, गाड़ी तक नहीं मोड़ पा रहे हैं और ड्राइव करना है इन्हें। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। गाइज, अभी हम हेलमेट लेके तो आ चुके हैं, बट दी के लिए वो काफी बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हेलमेट है, तो दी के आइस के ठीक सामने आ जा रहा है। इस वजह से दी ने भी हेलमेट पहना नहीं है। और जो ये रोड है, ये भी मेन रोड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। दोस्तों, हम आ चुके हैं मेन रोड में और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और मैं अभी यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि दी को यहाँ पे देना सेफ नहीं था। ट्रैफिक देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, पूरा जाम लग चुका है पीछे तक। और फिलहाल ऐसी कोनों से निकालने की कोशिश करते हैं बाइक को और जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं दी के कॉलेज। दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद हम निकल चुके हैं फाइनली ट्रैफिक से, और यहाँ से अब हमें जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुँचना है, तो निकलते हैं फुल थ्रॉटल के साथ। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं डीके कॉलेज में और जल्दी से चलते हैं अंदर और लेते हैं बुक्स। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, तो अंकल यहाँ पे एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं। फिलहाल पहले तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी होगी, फिर बुक्स लेंगे और यहाँ से निकलेंगे जल्दी से। तो फिलहाल गाइज, यहाँ पे कर लेते हैं हम गाड़ी पार्क और फिर उसके बाद अंदर बुक लेने के लिए चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ और फर्स्ट टाइम पे ही मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। हेलो, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, वही यहाँ पे है। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी मतलब हल्द्वानी में बहुत कम देखने को मिलती है। तो फाइनली गाइस, मिल चुकी हैं इनको बुक्स। गाइस, मैं इतनी सारी बुक्स लेके आई हूँ, मुझे ये समझ नहीं। ये देखो, दो बुक लेने के लिए आए थे और इतनी सारी बुक्स लेके आ गई हैं ये। अरे और हाँ, मुझे तो एक वो साइबर सिक्योरिटी के उन्होंने दी नहीं, मुझे लग रहा वो ऑप्शन मिला था, खुद से पढ़ना पड़ता होगा वो। वाह, इतनी बुकों को पढ़ने वाली तो है नहीं। इस अभी इनके एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम कब से? इसमें मेरे ना दो एग्जाम हो चुके हैं। दो? हाँ, जो जो एग्जाम हो चुके हैं। मैं उसकी बुक भी लेके आई हूं, जो एग्जाम हो गया उनकी बुक भी लाई है। वाह, फ्री का चंदन किस मेरे नंदन। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। रखो पीछे बैठो। हेलमेट पहले
अभी तक बैठे नहीं? तो दोस्तों फिलहाल निकलता है यहाँ से फुल पावर के साथ। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। गाइस हम अभी आ चुके हैं मेन हाईवे में और हमारा फ्यूल भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। देखिए बहुत कम बचा हुआ है तो फ्यूल अप करवाने के लिए हमें जाना होगा पेट्रोल पंप, बट यहाँ पे आसपास में कोई पेट्रोल पंप है नहीं और वैसे मेरे पास कैश है नहीं है। अभी मैं एटीएम लेके आया हूँ तो हर पेट्रोल पंप पे यहाँ पे कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो सबसे पहले जाते हैं एटीएम पे, यहाँ से कैश निकालते हैं और उसके बाद हम जाएंगे फ्यूल अप करवाने के लिए। तो फुल पावर निकलते हैं यहाँ से। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नाए आए आए हम नाए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए। तो दोस्तों अब हमें लग रही है तगड़ी भूख और यहाँ से निकलते हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे आसपास तो वैसे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो सबसे पास में मतलब जो ढंग का रेस्टोरेंट है वो मैजिक ही है। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं मैजिक के लिए और तब तक एंजॉय कीजिए हमारा आगे का व्लॉग। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मैजिक में और यहां से भी चलते हैं फिलहाल अंदर, गाड़ी को यहीं पे साइड में पार्क कर देते हैं। तो दोस्तों अंदर की ओर चलते हैं। ये रहा यहां का फर्स्ट जो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पे वैसे उतना अच्छा बैठने के लिए है नहीं, बट मीटिंग वगैरह करनी है अगर तो उसके लिए काफ़ी सुटेबल प्लेस ये है। और बाकी हम जैसे लोगों के लिए ऊपर वाला है जहाँ पे लुक हमें थोड़ा अच्छा मिल जाए। तो यहाँ से भी ऊपर जा रहे हैं हम, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्यारा रेस्टोरेंट है ये भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बट यहाँ की जो क्वालिटी है उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। तो हम आ चुके हैं दोस्तों ऊपर और हमने फुल प्लेट यहाँ पे मोमो ऑर्डर कर दिए हैं। वैसे ये फूड क्वालिटी मुझे इतनी बेस्ट यहाँ की नहीं लगती, बट लुक वाइज अच्छा है ये। गाइस आ चुके हैं हमारे मोमो यहाँ पे और पीछे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं खाना और फिर क्योंकि अभी मैं घर भी जाना है तो लेट भी हो रही है, इसलिए जल्दी से खाते हैं और चलते हैं फिर घर की ओर। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए। तो दोस्तों हमने खा लिया और यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना प्यारा है, लुक वाइज तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट फूड क्वालिटी वाइज मुझे उतना बेस्ट नहीं लगा। बट देखा जाए तो पूरा पैसा वसूल है क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा लुक बहुत कम जगह देखने को मिलता है। फाइनली गाइज हम निकल चुके हैं मैजिक से और अब हम जाते हैं सीधे घर की ओर क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो चुकी है। हमारी लेडी राइडर ने बाइक स्टार्ट कर दी है, अभी हम नेशनल हाईवे में हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी।